हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष हिमालय ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ हरिद्वार और मैं उठ गया था लगभग 3 बजे और अभी तक जो समय हो चुका है लगभग 3:30 तक हो चुका है और अभी तक मैं बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। और इसके बाद जो है हम थोड़ी देर बाद हरिद्वार के लिए निकलेंगे जिसमें हमारे 4 मित्रवर और होंगे। अभी फिलहाल तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ, कुछ वगैरह चाय वाय पी लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना आए, क्योंकि पहाड़ियों की सुबह ही चाय से होती है। तो इसके बाद थोड़ा चाय पीऊँगा, उसके बाद जो है आपको सिरसा से लेके हरिद्वार तक जो है हमारा जो ट्रेवल होने वाला है इसमें आपको पूरा व्लॉग आएगा आप सभी के सामने और आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद भी आएगा। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। बहुत समय के बाद जो है मैं ब्लॉग बना रहा हूं क्योंकि समय नहीं मिल पाता, इस कारणवश जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पाता हूं, पर आज मैं ब्लॉग बना रहा हूं। तो फिलहाल अभी तो मेरे बाल सूखे नहीं इसलिए मैंने बाल बनाए नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में, बने रहना अंत तक। सो गाइस, मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए और ये देखो ये बैग, बिल्कुल मेरा बैग तैयार है और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और बाल भी मेरे सूख चुके हैं, अब बिल्कुल जाने के लिए रेडी हैं। बस थोड़ा देर और उसके बाद हम निकलेंगे, हम चलेंगे यहाँ से सिरसा से हरिद्वार के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले पूजा पाठ किया, उसके बाद जो है प्रस्थान, ये हमारी इष्ट देवी हैं माँ पिताश्रिणी, बस इनकी कृपा से अच्छे से सलामत पहुँचेंगे और आप लोगों की अपना प्रेम इसे बनाए रखना। तो दोस्तों आगे मिलते हैं, नहीं आगे मिलते हैं, आगे ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है भाई साहब। हेलो दोस्तों, तो हम बैठ चुके हैं अभी कार में और अभी जो है सूर्योदय तो हुआ नहीं है, तो फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था भारत को जुगाड़ो देश के नाम से कहा जाता है, देख सकते हैं आप। कैमरामैन चांद बाबू के साथ और ये हमारा जो है प्रकाश करने का एकमात्र माध्यम है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। भाई साहब पकड़ो इसको जरा, बोला भाई तो पकड़ो जरा, नहीं तो कहाँ से बनाऊंगा भाई साहब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच गए हम? सिरसा, कौन सा गाड़ी आ रही है, कुछ बस स्टैंड, सिरसा बस स्टैंड से आगे पहुंच गए। यहाँ तो कोहरा भी लगा हुआ है नाम तो मैंने नहीं पता है पर इनका नाम पता है मेरे को, हितेश भैया। भाई जी सर देखो सर, हेलो ब्रो, बहुत सारी पब्लिक आपको देख रही है। वैसा चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा दिखना चाहिए। ब्रो हेलो, अच्छा बस इतना ही दोस्त लग रहा है। ये हमारे भाई साहब हैं, दूसरे वाले भाई जी अपना परिचय दें, पब्लिक आपको देखती है, आपको परिचय दो भाई। देखिए सर, हमारा नाम शोरेज आदिच है। अच्छा जी, आगे हम सिरसा में ही, सिरसा के निवासी है और जिस तरह से हमारी जिंदगी चल रही है हमको लग रहा है सिरसा में निपट जाएंगे। अच्छा तो बस यही है, गंगा जाने का हमारा ये था कि पाप बहुत बढ़ चुके हैं हमारे शरीर से, उनको घटाने के लिए, उनको घटाने के लिए बिल्कुल पाप भी कम करने चाहिए। पाप कम होते ही नहीं ना, ये तो पाप है, बात कुछ कोरोना नहीं दिया आज। चलो भजन सुन लेते हैं, अगला भजन। हाँ, भजन सुनना अनिवार्य है ताकि सभी दोस्तों से मुक्ति भजन ही दिला सकता है। अब भ्रांति तो भाई हमारे हितेश भैया मिटा देते हैं सारी की सारी। ये लो भैया पकड़ो फोन को, अब जैसे सूर्य उदय होगा उसके बाद ही आगे हम बताएंगे, क्योंकि अंधेरा अंधेरा है, देख सकते हैं चारों तरफ जो है लाइट लाइट जली हुई है, गाड़ी की भी लाइट जली हुई है। वैसे तो अभी हम पहुँच चुके हैं ओखलाना और आप देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, विलाइट खोल दी और क्या देखेगा आप एक चीज चिमकाते हैं इधर इधर जो है, आप देख सकते हैं बहुत सारा घना कोहरा लगा हुआ है जिसको हमारे सारे भाषा में कुड़ू बोलते हैं। ये लाइट है और आप देख सकते हैं ये सामने मिरर है बहुत सुंदर सा, और सबसे बड़ी बात ये है गणेश जी महाराज भी यहाँ बैठे हुए सामने संतरे रखे हैं, अगर आपको संतरे खाने हैं तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। बिस्किट भी है, वैसा हमारे बिस्किट की भी उचित व्यवस्था है, चाय नहीं है, दे दो वैसा भिजवा देना हमें। चाय का देख रहे थे लेकिन हाँ चाय का देख रहे थे पर कहीं पे व्यवस्था नहीं हो पाई चाय की। भाई जी आप पता लगे कुछ बोलो कुछ अभी तो क्या है कि भाई ठंड बहुत है,
कोहरा लगा हुआ है बहुत ज्यादा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, चारों तरफ कोहरा है। हाँ। ये बात आप सही कर रहे हैं ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चारों तरफ कोहरा कोहरा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं भाई साहब अपनी आंखों से, आंखों से क्या देखो, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के नाम पे चल रही है गाड़ी हमारी। देखो ये मेरे को हाथ से ऊपरी मारेगी, बाद में ठंडा रहेगा ना भाई। ये देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा कोहरा। आगे ब्लॉग में बनते रहे ये दोस्तों, पूरी अभी न्यूज़ देते रहेंगे आपको, अपडेट करते रहेंगे हम जैसे जैसे पहुँचेंगे आगे। भाई साहब तो गाइस बहुत देर बाद जो है धूम खुली हुई है सिचुएशन वैसे दोस्तों, पीछे से देख सकते हो आप। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुँचे भाई, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे भाई साहब, नरवाना रस्ते में पहुँचे अभी तो, नरवाना पहुँचे और हम यहाँ पे पियेंगे चाय। और जो है कोहरा अभी जो है अच्छे तरीके थोड़ा हट गया है, कोहरा है तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है भाई साहब इस समय तो। ये देख सकते हैं ये है बीसापुर चाय, कोई प्राइस नहीं है अर्थात फ्री में है, प्राइस फ्री में नहीं है, फ्री फ्री दोस्त लग जाएगा अगर फ्री में देंगे तो, दोस्त लग जाएगा भारी वाला घूमने निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये है भाई बताएंगे जो आपको, पहले तो अभी जाते हैं जब घूम जाते हैं तो दोस्तों अभी पीने वाले हम यहाँ पे चाय, और ये है जहाँ पे हम चाय पीने वाले हैं। दोस्तों हमने ले ली है कॉफ़ी और अभी क्योंकि ठंडा जो है बढ़ चुका है, हम कार से बाहर आएंगे इसलिए ठंडा लग रहा है, उधर गर्म लग रही है ना, आवाज़ आ रही है कैमरे में, आवाज़ आज होगी कैमरे में नहीं आएगा, बता देना गाइस हम अगली बार माइक लगाएंगे, बता देना जी, बता देना वरना अगली बार माइक लगा देंगे, कोई बता देना बता देंगे, हाँ बता देना कमेंट में क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं तो अगली बार हम बुला लेंगे, क्या बोलते उसको बोलर माइक, बोलर माइक आ देंगे, आवाज़ और भी अच्छी से सुनाई देगी आपको बहुत सुंदर तरीके से। फिलहाल तो अभी मज़े ले रहे हैं कॉफ़ी के, चलो भाई अब आगे आप आगे बढ़ाएंगे स्नान करने के बाद हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, और इस समय धूप काफ़ी अच्छी लग चुकी है और जिससे कि अब थोड़ा गर्मी हो रही है। वैसे तो हम कार के अंदर बैठे थे जिससे हमें ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, पर जब हम जल पान बाहर करने गए तब थोड़ा ठंड लग रही थी। अब तो जो है अच्छी खासी सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं, भाई जी यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं और दो भाई जी आगे बैठे हैं, सब मगन हैं महादेव के दर्शन हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। महादेव से ऐसी कामना करें कि सब सबकी मनोकामना पूर्ण करें। चंद्र दिख रही है ये तो मैंने दोस्त लगा दिया है। महादेव से ऐसी कामना करें कि सबके मनोरथ पूर्ण करें, और जो है सबके सिर गंदे हो जाएं ऐसे नहीं हो सकता है दोस्तों बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा बहुत कोहरा लगा हुआ है परंतु रोड के सामने उतना नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले तो काफ़ी कोहरा लगा हुआ था जिसके कारण देखने में असुविधा हो रही थी, इस समय धूप काफ़ी अच्छी लग चुकी है और मज़ा आ रहा है वैसे, देख सकते हो आप बिल्कुल बहुत बढ़िया। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में और अभी समय हो रहा है 9:27 पे, और यहाँ जो है धूप खिली हुई है, काफ़ी बढ़िया हो गया मौसम यहाँ से यहाँ आते हुए ही। अब देख सकते हैं पीछे मेरा टेम्पो चल रहा है और हम कार में चल रहे हैं। अच्छा ये आपका है क्या? नहीं वो मेरा नहीं है, वो पराये का है वो नहीं अगर आपको अपना बनाना है तो हम बता देंगे भैया। नहीं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं टेम्पो चलाने, कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलाना सीखो भैया काम आएगा। नितेश भैया कुछ बोलना चाहेंगे? भारत माता की जय। नो कमेंट्स ब्रो। ओके सर। How are you?
क्या वीडियो तो मैं बनाऊंगा, रुक जा अरे मूड नहीं है भैया का वीडियो भी हम बनाएंगे, रुको भैया अभी ड्राइविंग भी फोकस कर रहे हैं। हाँ अभी ड्राइविंग।